live update. Good afternoon, Kolkata 91.9 Friends FM. मेरा नाम अनिमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा हूँ CC&FC से, जहाँ पे इस वक्त चल रहा है दी ऑल इंडिया एंड साउथ एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2016. टुडे इज द फाइनल डे. हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन हम सबके फेवरेट राहुल बोस, जो कोलकाता शहर में है. किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बातें हो रही है तो वो हो रही है फ्रेंड्स एफएम पे. राहुल दा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में. शुक्रिया, थैंक यू. करीब 40 लाख लोग आपकी आवाज इस वक्त सैटरडे आफ्टरनून सुन रहे हैं. इतना शानदार सा टूर्नामेंट चल रहा है, कल भी मैं आया हुआ था, कल भी इतने शानदार से एक वुमेन 15-a-side मैच को हम सब ने एंजॉय किया और दिल्ली को जीत हासिल की. कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी टीम स्पोर्ट हमारे देश में जब नेशनल टूर्नामेंट होता है तो मेंस और वुमेन्स का जो टूर्नामेंट होता है वो अलग होता है. लेकिन ये पहला टीम स्पोर्ट है जहाँ पे हम दोनों के जो दोनों टूर्नामेंट्स को एक ही मुकाम पे, एक ही लेवल पे हमने ट्रीट किया है. हम एक सिग्नल देना चाहते हैं ऑडियंसेस को कि चाहे आप मेंस रग्बी देखें या वुमेन्स रग्बी, आप जो एंजॉय करेंगे, जो स्टैंडर्ड देखेंगे, जो फियर्सनेस, जो एंगेजमेंट, जो स्किल देखेंगे वो एक ही होगा. तो इसमें कोई दरार नहीं है, ना ही कोई डिफरेंस है, ना ही कोई डिफरेंस इन क्वालिटी है. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आजकल हम देखते आए हैं सदियों से कि वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन स्पोर्ट्स. जैसे हमारे टेनिस में, ग्रैंड स्लैम्स में बहुत कम सालों तक, अभी हुआ है लेकिन उसके पहले प्राइज मनी अलग हुआ करता है. यू नो, डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट वैल्यूएशंस फॉर प्राइज मनी. तो ये बहुत एक अहम चीज़ है कि द वुमेन्स नेशनल रग्बी चैंपियनशिप एंड द मेन्स नेशनल रग्बी चैंपियनशिप आर बीइंग हेल्ड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम. तो 3 cheers तो होनी चाहिए CC&FC के लिए क्योंकि उन्होंने ये करके दिखाया है. जी हाँ, उन्होंने, बल्कि जब हम बातें कर रहे थे तो उन्होंने इंसिस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं. और अगर मौसम की वजह से ऐसा कुछ हो जाए कि हम शायद कई मैचेस कम हो जाएंगे तो फिर हम मेंस टूर्नामेंट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे, वुमेन्स का नहीं. वुमेन्स के ये जहाँ पे जो शान है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं, लेट द वुमेन हैव द बेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट्स. वी कैन ऑलवेज रिमूव, रिप्लेस एंड रीलोकेट द मेंस टूर्नामेंट. तो एक कल्चर है यहाँ पे इस स्पोर्ट में, इस देश में, वेयर देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन. राहुल सर, आप मेरे हमेशा से फेवरेट एक्टर रहे हो और रग्बी की अगर हम बातें करें, रग्बी से भी आपका पुराना रिश्ता है, कुछ कहना चाहेंगे? ये जो स्पोर्ट है अलग है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं इंडिया में भी. देखिए, इस मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहूँगा कि इस खेल से मुझे जो सीख मिली है वो मेरे माँ बाप ने भी नहीं सिखा. पहला जो लेसन मुझे मिला कि अगर आप अकेले खेलना चाहोगे इस स्पोर्ट को, आप ज़रूर मरोगे. और अगर आप इस मिसाल को आप थैंक यू इस मिसाल को अगर आप बाहर ले चले जिंदगी की के मैदान पे, तो इसे ये आँखें अकेले आप कुछ नहीं कर पाते, आप एक ग्रुप के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है या ग्रुप की बदौलत आप आगे बढ़ते हो. दूसरी सीख ये थी कि जो भी खेलेगा रग्बी, हमारे कोच ने सिखाया, अंग्रेजी में कहा कि लीव योर बॉडी ऑन द फील्ड. इसका मतलब है कि डू योर बेस्ट, ताकि तुम्हारे जी जान से आप खेलो, ताकि तुम्हारे शरीर में एक आउंस एनर्जी ना रहे, टू कम ऑफ द फील्ड, लीव योर बॉडी ऑन द फील्ड. इससे जिंदगी में मैंने सीखा कि जो भी मैं करूँगा, जो भी मैं करना चाहता हूँ, आई शुड डू माई बेस्ट, एंड आफ्टर दैट कोई रंजिश नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं होता है. और तीसरा जो सीख है वो ये है कि हर टीम में कई स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं जो स्टार्स हैं, और कई वीक या एवरेज प्लेयर्स होते हैं. कभी ऐसा मत देखो कि ये मुझसे नीच है, कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है मेरे कंट्रीब्यूशन से कम है. क्योंकि जैसे हमने देखा है इस देश में इतना फ्यूडलिज्म है, लेकिन मेरे जो मैंने सीखा इस गेम के माध्यम से कि अगर आप सफाई कर्मचारी हो या आप नासा साइंटिस्ट हो, इस समाज में दोनों की अहमियत एक है. बिल्कुल सर, आप ये जो रियल लाइफ में काफ़ी कुछ हमें रग्बी से सीख मिलती है. वैसे आज के मैच के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर, आज आर्मी की टीम में भिड़ने वाली हरिकेन के साथ, कुछ कहना चाहेंगे? दोनों टीम को मैंने खेला है, हालांकि टीम कॉम्पोजिशन पे आगे पिछले 4-5 साल में बदल चुका है, लेकिन जो फलसफा है, जैसे खेलने का तरीका है, वो एक ही रहता है. फिजिकल गेम होगा, दिल्ली बॉल हैंडलिंग में बेहतर है आर्मी से. अगर मौसम गीला हो जाए, अगर
बारिश हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से द एडवांटेज विल लाई विद दिल्ली. लेकिन आर्मी में जो फिटनेस है और एक जुनून होता है वो मैंने देखा है कि बहुत दफ़ा उन्हें ओवर द फिनिश लाइन ले जाता है. इट्स गोइंग टू बी अ नैरो गेम. If it doesn't rain, Army will win. If it rains, it will be close and Delhi might win. बिल्कुल सर, एज एन ऑडियंस मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बारिश होने से रग्बी और इंटरेस्टिंग हो जाता है, टफ जैसे कि कहा जाता है फुटबॉल में बारिश होने से और ज्यादा? नहीं, कोई रग्बी प्लेयर ऐसा नहीं चाहता है कि बारिश हो, क्योंकि जो स्किल्स हैं वो ड्राई वेदर में सबसे बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है. लेकिन जब रेन होता है प्ले कंटिन्यूज, लेकिन प्ले का जो नक्शा है वो बदलता है, वो बदल जाता है, टफर हो जाता है. टेक्निकली यू हैव टू बी, जैसे फॉर्मूला वन में बेस्ट फास्टेस्ट ड्राइविंग इज इन ड्राई ट्रैक्स, व्हेन यू हैव योर ड्राई टायर्स ऑन. लेकिन वेट में, जैसे आयटन से ना चलाते थे, वेट में एक अलग सेट ऑफ स्किल्स की जरूरत होती है. सो सेम इन रग्बी, और देखने में इट बिकम्स मोर बोरिंग, बट टू प्ले इट बिकम्स टफर. बिल्कुल सर, कल के मैच के बारे में एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगा. 15 अ साइड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, तो ये इतना समय क्यों लग गया सर, अगर आप बताना चाहें? वुमेन्स रग्बी, हाँ नहीं, 15 अ साइड वुमेन्स रग्बी हुआ करता था, करीब 4-5 साल हो गए हैं. लेकिन नेशनल लेवल पे लाने के लिए और नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स आएंगे और ऑडियंसेस देखेंगे उस मुकाम पे लाने के लिए समय लगता है. सो दैट्स व्हाई. सर, 40 लाख लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सर फ्रेंड्स पर उन सभी से कुछ कहते हैं, ये एक अच्छे रग्बी प्लेयर की क्या पहचान होती है? एक अच्छे रग्बी प्लेयर की पहचान ये हो गई कि वो जब कुछ खेलते हैं या जिंदगी में जंग लड़ते हैं या करियर में कुछ करते हैं तो वो जी जान से करेंगे, लेकिन उसके बाद वो हारते हैं या जीतते हैं उसके बाद वो आपको आपके दोस्त बनेंगे, और वो जो जब दोस्त बनते हैं तो जिंदगी भर बन जाएंगे. थैंक यू सो मच राहुल सर हमारे साथ बातें करने के लिए. हर बार आपके साथ बातें होती है काफी कुछ जानने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक्स वेरी मच सो मच. बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए सीसीएनएफसी से. दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो.